हेलो गाइस, आज की जो हमारी गाड़ी की वीडियो है, ये गाड़ी थोड़ी सी जस्ट इस मॉडल से पुरानी वाली ड्राइव से पहले की है, जो अभी जैसे कि 1920 का जो मॉडल चल रहा है। और ये है गाड़ी जो है 15 मॉडल, और 15 मॉडल के अंदर हमें जो क्या करना है, देखिए हर गाड़ी के अंदर क्या है, हम नई गाड़ी बेसिकली ज़्यादातर दिखाते हैं, कभी ये नहीं दिखाते कि हमारी पुरानी जो ओल्ड छोटी गाड़ी है, 4, 5, 7, 6 साल पुरानी गाड़ी है, उसको कैसे हम एक अपडेट वर्जन दे सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसे कि शुरू करते हैं। इसका आउटलुक है अभी बाहर से बिल्कुल सिंपल है, इसमें व्हील कैप भी नहीं है और इसमें कुछ बिल्कुल नहीं लगा हुआ, बिल्कुल सिंपल है। हालांकि इसमें बाहर से आउटलुक हमें थोड़ी सिंपल दे रही है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें स्टीयरिंग रिप्लेस करना है, स्टीयरिंग रिप्लेस करना है, इसकी जो सीट कवर जो उसमें जेन्युइन लुक में आते हैं लाइट बेज कलर, वो करने, इसके पिलर्स जैसे कि देख सकते हैं पिलर्स हमें रिप्लेस करने हैं, डोर पर काम शुरू हो चुका है। दिस वन देखिए जनरल डोर्स का ये है, और हमें इसमें डोर में रिप्लेस करना है, और ये इसके पिलर है। तो गाइस इसको पूरा का पूरा इसको अपडेट करना है, और साथ साथ हमें ये देख लीजिए इसका स्टेयरिंग सिंपल सोबर वाला है, और इसका हेड यूनिट भी रिप्लेस करना है। इसके अंदर जो स्पीकर लगे हुए हैं, शायद ये मॉडल जो है कैनवुड का लगा हुआ है, मुझे रिप्लेस करके पूरा इसको एक अपडेट वर्जन देना है। बिल्कुल सिंपल सोबर गाड़ी है ये, मैट भी सिंपल है, ये 2015 मॉडल डिज़ायर है, और 5 साल के बाद इसको मैं पूरा अपडेट कर रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं, इसका जो हमने स्टीयरिंग है वो रिप्लेस नहीं, रिमूव कर लिया है। हालांकि इसके अंदर हमें एयरबैग नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है, इस मॉडल के अंदर एयरबैग नहीं आया। ठीक है, सेकंड थिंग, इसके अंदर हमने जो है फ्रंट डोर में इन्फिनिटी का लोगो जो है, इन्फिनिटी के कॉम्पोनेंट फिट कर दिए, और मैं बात करता हूँ जिस मॉडल के अंदर हमें देख सकते हैं कि हमें दो स्पीकर, दो ट्यूटर और दो क्रॉस ओवर मिलते हैं, और ये जो इसका मॉडल नंबर है 650C, ये मॉडल नंबर है जिसके अंदर दो हमारे क्रॉस ओवर आते हैं साथ साथ, और ये इसके ट्यूटर आ चुके हैं जो हमें इसे फिट करने हैं, और डोर में हमने स्पीकर फिट कर दिया। तो गाइस जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारे जो पिलर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 6 पिलर जो है, एक सेकंड में थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ खुद इसको। तो देख सकते हैं कि पूरा एस टू एस हमने फिट किया है, कहीं भी कोई भी चोटी नहीं दिख रही हमें, ना कोई हल्की सी ब्रेकिंग दिख रही, तो देखो। पूरा हम देखिए एस टू एस को फिट किया हमें, ये पूरी लाइन है इसकी। तो ये फ्रंट राइट पिलर है, तो इसी तरह सारे हमने पिलर रेडी किए। ये सेंटर पोर्शन है, ये रियर पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है। और बहुत चल रहा है अभी। तो गाइस जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो होमवर्क है वो डिज़ायर को लेके कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस मुझे इस गाड़ी को रेडी करने में 2 दिन लग गए, पता है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि सबसे पहली चीज़ इसके अंदर मैं दिखाता हूँ कि मैंने ये जो गाड़ी है भाई, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है इस गाड़ी को लेके कि ना लोग हमेशा नई गाड़ियाँ। तो गाइस जैसे कि मैं बोल रहा था कि मैंने इसके अंदर जो इस गाड़ी को थोड़ा सा पुराना मॉडल होने के बाद बिल्कुल ही एक अलग लुक दिया है, बिल्कुल एक अलग अट्रैक्शन दिया है। तो गाइस जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले आउटलुक से, आउटलुक में मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ इसमें जो जेन्युइन व्हील कवर है सर वो डालें, और कुछ भी हमने इसको बाहर से बिल्कुल सिंपल रहने दिया। ठीक है, और गाइस अब हम बात करते हैं दिस वन, सबसे पहले इसके डोर पैनल की, जो कि इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में इसमें हमने रिमूव किया है, रिप्लेस किया, क्योंकि कस्टमर की नीड थी कि सिर्फ फ्रंट चेंज करना है। ठीक है, दिस वन दिखाता हूँ आपको, फिनिश दिखाता हूँ। कस्टमर कहते हैं हमारे डोर में गैप आ जाता है और उसमें नॉकिंग आती है, बट ऐसा कुछ नहीं, देखिए दिस वन, और उसमें जो टेक्सचर लगा है नापा लगा है। और गाइस अब हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल की, तो जिसका स्टीयरिंग दिया हमने देखो पूरा का पूरा एज इट इज़ हमने फिट करके दिया है, सेम स्टिच सेम ड्यूल टोन में, और जो थ्रेडिंग है वो हमने 10 से दी है, जो उसकी लुक और भी बढ़ा देती है। देखो अब गाइस बात करते हैं उसके पिलर्स की, जो कि आपको सुबह में दिखा चुका हूँ। देखो मुझे 2 दिन लग गए इस गाड़ी को रेडी करने में, क्योंकि मेरे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मुझे टाइम चाहिए होता है काम करने के लिए गाइस। और देखो इसका पिलर आ गया, दिस वन सेम लेफ्ट पिलर। और गाइस बात करें इसके हैंडरेस्ट की, हमने हैंडरेस्ट भी सेम टू सेम
ये यूनिवर्सल आमरश होता है, हालांकि इस मॉडल के अंदर आमरश आता नहीं है और डिज़ायर में एंड्रश आता नहीं है बाई डिफॉल्ट। तो गाइस इसके अंदर हमने जो है सेम ड्यूल टोन के अंदर दिया है और सेम टू सेम ब्लैक एंड टेस्को जो ऊपर से टैन कर दिया है वो भी स्टिचिंग करके, देखिए सेम जो इसका लुक है वो और भी प्रीमियम कर दिया है। और ये देख सकते हैं कि जो इसका मैट 70 हमने किया है वो पूरा का पूरा कवर कर रहा है इसको। हालांकि डिज़ायर के अंदर हमेशा बेज मैट लगता है और हमने जो उसमें ब्लैक इसलिए दिया है क्योंकि इसका जो इंटीरियर वर्क है वो हमने ऑलरेडी ब्लैक किया है, पूरा एज टू एज फिट, कहीं भी कोई गैप की गुंजाइश नहीं छोड़ी हमने। इसके पिलर आ चुके हैं सेंटर और ये रियर पिलर आ गया। गाइस हम बात करते हैं इसके सीट कवर की। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं कि इसका जो हमने सीट कवर का डिज़ाइन दिया है सिंपल एंड सोबर कह सकते हैं कि इसकी जो लाउड लुक है हमने सिर्फ डबल स्टिच से दी है, दिस वन डबल स्टिचिंग दी है और कहीं भी इसमें हमने कोई ज़्यादा इसमें शोबाजी नहीं करी। और देख सकते हैं कि एज टू एज फिट किया है, तो लाइनिंग चल रही है डबल स्टिच, वो पूरी की पूरी से सेम थ्रेडिंग टारगेट से की है। और गाइज इसकी अब बात करें अब हेड यूनिट की, तो देख सकते हैं कि इसका जो हेड यूनिट है वो हमने पूरा का पूरा एक एंड्रॉयड वर्जन विद ट्यूटर के साथ दिया है, कंपोनेंट ट्यूटर के साथ कंपोनेंट स्पीकर है इन्फिनिटी के। तो गाइज जैसे कि इसके अंदर हमने जो स्क्रीन लगाई वो हाइपरसोनिक की लगाई है जो इसके फ्रंट में शो कर रही है और दस वन एज टू एज, कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है और कोई ब्रेकिंग नहीं है। इसकी वीडियो क्वालिटी मैं आपको दिखाई चुका हूँ बहुत सारी वीडियो में और साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो गाइस इसका जो माइक है हमने यहाँ पे दिया है, ये देखिए जी एडजस्टमेंट है थोड़ा सा, ठीक है गाइस, और साथ साथ हमने दिया इसको रिवर्स कैमरा, देखिए साथ में सेंसर भी हैं जो बीप कर रहे हैं हमारे, और एक चीज़ हमारी रह गई थी दिसन गियर बूट का जो फैब्रिक है वो भी उन्होंने चेंज कर दिया नापा, और उसमें जो दिया हमने वो दिया है नापा और वो भी नापा जो है मयूर के अंदर दिया है। तो गाइज वीडियो एंड करते हुए मेरी कोशिश ये है कस्टमर से, तो गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी मेरी कमी हो वो मुझे बताइएगा, मेरे काम को लेके मेरे वर्क को लेके जो मेरा एक्सपीरियंस है प्लीज़ शेयर कीजिए। वर्क बाय कौशिक कार एक्सेसरीज द्वारका।